ये 12 नियम अपनाएं, जीवन को स्वस्थ बनाएं। स्वस्थ रहना कौन नहीं चाहता, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए सेहत के प्रति काफ़ी सतर्क और जागरूक रहने की आवश्यकता होती है। कुछ मामलों में हमें अनुशासित रहने की आवश्यकता भी होती है। इसके लिए ज़रूरी है कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए कुछ नियम बनाए जाएं जो आपकी मदद कर सकें। हम बता रहे हैं सेहत के लिए कुछ ऐसी ही बातें, आइए जानते हैं। पहला, एक कटोरी फल या सलाद खाने के साथ प्रतिदिन एक कटोरी फल या सलाद खाने की आदत ज़रूर डालें। इनमें मौजूद पोषक तत्व आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में बेहद सहायक होंगे और बीमारियों से लड़ने में आपकी मदद करेंगे। इससे आपका इम्यून पावर भी मजबूत होगा। कोशिश करें कि फलों को सामान्य तापमान पर ही रखें। दूसरा, नाश्ता ज़रूर करें। सुबह अधिक समय तक खाली पेट रहना स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होता है और मोटापे के अलावा पेट के अन्य रोगों के लिए भी जिम्मेदार होता है। जबकि सुबह का नाश्ता अनिवार्य तौर पर करने से आप स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करते हैं। तीसरा, नाश्ते से पहले ब्रश। हमेशा सुबह नाश्ते से पहले ब्रश ज़रूर करें। बगैर ब्रश के कुछ भी खाने से परहेज करें। डॉक्टर्स के अनुसार नाश्ते से पहले ब्रश करने से दांतों पर फ्लोराइड की कोटिंग जम जाती है जो दांतों को सुरक्षित रखती है। चौथा, जूस पीने की आदत। प्रतिदिन जूस पीने की आदत डालें। प्रतिदिन खाने के साथ ऑरेंज जूस पीने से शरीर पोषक तत्व को बेहतर तरीके से ग्रहण कर पाता है। इसके अलावा आप अपना कोई पसंदीदा जूस भी पी सकते हैं और बगैर शक्कर की जूस पीना ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है। पांचवा, एक दिन उपवास। प्रतिदिन आप अच्छी डाइट लें, लेकिन कोशिश करें कि सप्ताह या महीने में कम से कम एक दिन उपवास ज़रूर करें। एक शोध के अनुसार एक दिन खाना नहीं खाने से मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाता है। इसके अलावा इसमें बीमारियाँ, ख़ास तौर पर दिल की बीमारियों का खतरा 40% कम हो जाता है। छठा, गहरी सांस लें। जब भी आप असहज हों गहरी सांस लेते रहें। इससे दिमाग में ऑक्सीजन अधिक मात्रा में पहुंचती है और आप ताजगी के साथ साथ तनाव मुक्त महसूस करते हैं, जबकि छोटी छोटी सांस लेने से हार्ट रेट और तनाव बढ़ता है। सातवां, एक फल ज़रूर खाएं। प्रतिदिन एक फल खाने का नियम बना लें। इससे आप स्वस्थ रहने के साथ ही ऊर्जावान महसूस करेंगे। एक शोध के अनुसार रोज़ एक फल खाने से कैंसर का खतरा 20% तक कम हो जाता है। आठवां, अतिरिक्त नमक से बचें। खाने में अतिरिक्त नमक खाने से परहेज करें। खाना पकाते वक्त नमक की जो मात्रा उसमें डाली जाए उसके अलावा ऊपर से नमक ना डालें। इसके अलावा कुछ हर्ब्स का प्रयोग कर सकते हैं। नौवां, व्हाइट की जगह ब्राउन। सफ़ेद ब्रेड और चावल की जगह ब्राउन राइस व ब्रेड का इस्तेमाल करें और मैदे के बजाय आटे से बनी चीज़ों का प्रयोग करना फ़ायदेमंद होता है, इस बात का ध्यान रखें। दसवां, सिर दर्द की दवा। अगर सिर दर्द होने पर आप दवा ले रहे हैं तो उसे कॉफ़ी के साथ लें। एक अध्ययन के अनुसार पेन किलर दवा को पानी की जगह कॉफ़ी के साथ लेने पर दर्द जल्दी दूर होता है, क्योंकि कैफीटीन दर्द को जल्दी और अधिक समय के लिए दूर करता है। कैफीटीन दवा को तेज़ी से पूरे शरीर में फैलाता है। ग्यारहवां, व्यायाम करें। दिन में या सप्ताह में एक या दो बार व्यायाम करने का नियम ज़रूर बनाएं। व्यायाम स्वस्थ रहने की चाबी है। इससे चुस्त दुरुस्त रहेंगे और रक्त का संचार सुचारू रूप से होकर आपको भरपूर ऊर्जा मिलेगी। बारहवां, पानी पीते रहें। समय समय पर पानी पीते रहने की आदत डालें, चाहे तो रिमाइंडर लगा लें जो आपको पानी पीने की याद दिलाता रहेगा। पानी पीते रहने से आपकी आधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इससे शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें। मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बहुत सारा प्यार दें मुझे मेरी वीडियो को, कि मैं ऐसी और मोटिवेशनल वीडियो आपके लिए लाती रहूं। गुड बाय, टेक केयर।